मौसम बहार में सुबह सवेरे अगर आपका गुजर किसी झील के पास से हो और आपको बंदूक की धमक सुनाई दे, तो निगाह दौड़ाते ही आपको सतह आपके साथ साथ या कुछ ऊपर तेज उड़ान करते परिंदे नजर आएंगे और कुछ देर बाद पानी पर ही मंडलाने के बाद सतह आप पर बैठ जाएंगे। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि ये आप भी परिंदे हैं और शिकारी इनके दर पे है। हर साल हजारों शिकारी लाखों आबी परिंदों का शिकार करते हैं और इंसान के इस इकदाम के जायज या नाजायज होने का मुबाहसा असर नौ शुरू हो जाता है। यूं तो आबी परिंदों की सैकड़ों इकसाम हैं, मगर अंग्रेजी इस्तेला वाटरफॉल अमूमन मुर्गाबियों, हंसों और राजहंसों के लिए इस्तेमाल होती है। हमने इस इस्तेलाह का उर्दू तर्जमा पानी के पंछी के तौर से किया है। इन पंछियों के तीन बड़े ग्रोह हैं, मुर्गाबियां, हंस और राजहंस। इनमें चौड़ी चोंच और झिल्लीदार पांव कदर मुश्तरक हैं, जिनकी बदौलत ये परिंदे आबी और दलदली इलाकों में बखूबी चल फिर सकते हैं और पानी के अंदर और कीचड़ में बआसानी खुराक तलाश कर सकते हैं। पानी के पंछियों की असल आमाजगाहें साइबेरिया और वस्ती एशियाई रियासतों की वसीओ अरीज आबगाहें हैं, जहां ये परिंदे मौसम गर्मा में नस्ल कशी करते हैं। मौसम गर्मा के इख्तिताम और खिजां के अवाइल में जब चूजे लंबी उड़ान के काबिल हो जाते हैं, आबगाहों का दर्जा हरारत कम होने लगता है और वहां खुराक का हुसूल मुश्किल हो जाता है, तो ये परिंदे खुराक की खातिर जनूब की तरफ मोतदिल आबगाहों का रुख करते हैं और सैकड़ों मील की उड़ान के बाद सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान की आबगाहों में पहुंचना शुरू करते हैं। इनकी आमद का सिलसिला अक्टूबर के आखिर और वस्त नवंबर तक जारी रहता है। इस अमल में साइबेरिया और वस्त एशिया की आबगाहों से माइग्रेट करने वाली मुर्गाबियाँ इंडस फ्लाईवे को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की अफगाहों में पहुंचती हैं। ये अफगाह हैं सुबह सरहद में भी हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, और वक्त के साथ और अपनी तादाद के लिहाज से वो मखसूस अफगाहों को मुंतखब करती हैं और वहाँ मौसम सरमा गुजारती हैं। मौसम सरमा गुजारने के बाद मौसम बहार के वस्त में ये दोबारा वापस जाना शुरू करती हैं और मौसम गर्मा के अवाइल में अपने उन्हीं मसाकिन में पहुंचती हैं, वस्त एशिया और साइबेरिया में, जहां उन्होंने नस्ल कशी करनी होती है, और फिर वह नस्ल कशी करके मौसम खजां में दोबारा अपने पाकिस्तान के अफगाहों का रुख करती हैं, और ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। पाकिस्तानी आबगाहों में आने वाले पानी के पंछी सेहतमंद तफरीह का एक नहायत उम्दा जरिया हैं। ये अपनी गौल दर गौल उड़ानों, दीदा जेब रंगों और करतबों से न सिर्फ आबगाहों की कशिश में इजाफा करते हैं, बल्कि शिकारियों की एक बड़ी तादाद को शिकार की सूरत में सेहतमंदाना तफरीह भी मुहैया करते हैं। पानी के पंछियों का शिकार एक ऐसी मुनफरिद तफरीह है जो शदीद सर्दी में भी शिकारियों को मुंह अंधेरे यख बस्ता पानियों में घंटों खड़ा रहने पर मजबूर करती है। पाकिस्तान आने वाले आबी परिंदों को लाहक खतरात को तीन जुमरों में तकसीम किया जा सकता है। गैरकानूनी और नापायदार शिकार, आबगाहों की जबूं हाली, नकल मकानी के दौरान मौसमी हवादिस। गैरकानूनी और बेमुहावा शिकार आबी परिंदों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
अक्सर शिकारियों का ख्याल है कि मुर्गाबियाँ एक लामहदूद वसीला है और उनके शिकार पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और उनकी ये सोच दुरुस्त नहीं। अगर परिंदों की माकूल तादाद वापस जाती रहे और फिर वहाँ ब्रीडिंग करके वापस आते रहें और शिकार जो है उसको रेगुलेट किया जाए, शिकारी हजरात खुद अपने लिए एक ज़ाब्ते अखलाक बना लें और जो हुकूमत ने कानून बनाए हैं उनको फॉलो करें, तो कोई वजह नहीं कि ये शिकार पायदार ना हो और कोई वजह नहीं कि ये शिकार एक गैर मुअय्यना अरसे तक चलता रहे। शिकारी भी मुतमईन होंगे, परिंदे भी अपनी जगह कायम रहेंगे। साइंसी तहकीकात से ये बात साबित है कि सरमाई आप गाहों से लौटने वाले परिंदे ही गर्माई मसाकिन में नस्ल कशी करते हैं, और वही परिंदे अपने बच्चों के साथ सरमाई आप गाहों को वापस जाते हैं। इस तरह जनूब से शिमाल और शिमाल से जनूब की तरफ नकल मकानी करने वाले परिंदों की तादाद का आपस में बराह रास्त ताल्लुक है। अंडे देने वाले परिंदों की तादाद कम होने से अंडों की तादाद भी कम होगी और नतीजतन बच्चे भी कम निकलेंगे। इस तरह शिकार के लिए कम परिंदे मुयस्सर होंगे। कई सालों तक जारी रहने वाला ये अमल परिंदों की तादाद में मुस्तकिल कमी ला सकता है और कई अकसाम के परिंदे नापैद हो सकते हैं। आबी परिंदों के शिकार को किसी ज़ाबताए अखलाक के ताबे लाने और शिकार और शिकारी दोनों के मफाद में शिकार को सस्टेनेबल बनाने, यानी इसे देरपा बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने के लिए बैनुल अक्वामी सतह पर कवायद व ज़वाबित मुरतब किए गए हैं। ये कवायद व ज़वाबित नकल मकानी करने वाले जानवरों से मुतालिक बैनुल अक्वामी मुआहदों की रूह से तय पाए हैं, और हर मुल्क के शिकारियों का अखलाकी, कौमी और बैनुल अक्वामी फरीजा है कि इन कवायद की पासदारी करें। पाकिस्तान हंटिंग एसोसिएशन का मेन मकसद यही रहा है कि हम यंगस्टर्स को, जो न्यू कमर्स हैं, बीच में ऐसे भी शिकारी होते हैं जिनके जनरेशंस शिकार कर रही होती हैं, उनको तो पता होता है कि शिकार के कवानीन क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, बट बीच में ऐसे भी बहुत बड़ा क्राउड है जो कि हुआ रन अवेयर, जिनको कुछ पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो उसके लिए हमने बेसिकली हमने एजुकेशन को काफ़ी स्प्रेड किया ऑनलाइन तरीके से, और उसके अलावा मीटिंग्स और सेमिनार्स भी हम लोग कराते रहे हैं। 18th century से लेके टिल 1950s यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा में जो ये आबी परिंदे हैं और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी तादाद बहुत कम हो गई थी। अलार्मिंग तौर पर ये बर्ड्स एक्सटेंट होना शुरू हो गए। 1950s में एक शिकारी लोगों का ग्रुप था जो कि बहुत कंसर्न थे वाइल्ड लाइफ के बारे में, एंड ये बात बिल्कुल सही है कि एक शिकारी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है अपने फ्यूचर के बारे में शिकार के। सो उनको ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि हमारे स्पीसीज़ सर्वाइव करें और हमारे कल को नेक्स्ट जनरेशन्स भी इस ट्रेडिशन और इस स्पोर्ट को पास ऑन करें, बट उसके लिए ज़रूरी है कि वी हैव टू प्रिजर्व द बर्ड्स टू। सो इन लोगों ने लाइक माइंडेड लोग थे ये, इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया बाय द नेम ऑफ डक्स अनलिमिटेड। इन लोगों ने इतना एफर्ट उस ग्रुप में, ग्रुप के थ्रू डाला कि अभी 1950s में एंड टिल नाउ उनके पास आबी परिंदों की जो पॉपुलेशन है वो 18th century में भी इतनी नहीं होती थी। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड दिस वॉज अचीव बाय द हंटर्स। ये सारी शिकारियों ने मिलजुल के किया। ऑफकोर्स बीच में उनको सपोर्ट की गई, गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, डिफरेंट और तंजीमों ने सपोर्ट की, बट द पॉइंट इज़ दैट मिल के अगर काम किया जाए और स्टेक होल्डर्स जिस तरह आपके लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, लोकल फार्मर्स होते हैं, आपके शिकारी होते हैं, इन सारों को मिला के आप चलें तो एवरीथिंग कैन बी डन, सब कुछ हो सकता है। एंड आई थिंक हम उस लैंडमार्क तक पहुंच सकते हैं जो कि अमेरिकन और कैनेडियंस पहुंचे हैं, जिस पे वी कैन ऑल्सो डू इट।
शिकार के लिए मखसूस मौसम और मखसूस दिनों में शिकार करें। शिकार के लिए ममनुआ इलाकों में शिकार न करें। जिन अकसाम के आबी परिंदों की नस्ल मखदूश हो और उनको बैनुल अक्वामी तहफ़ुज़ दिया गया हो, उनका शिकार न करें। शिकार के लिए शिकार का लाइसेंस ज़रूर हासिल करें। सूरज गुरूब होने के बाद शिकार हरगिज न करें। शिकार के लिए जाल, खुदकार हथियार या धमाका खेज मवाद इस्तेमाल न करें। कश्ती या किसी भी किस्म की सवारी से परिंदों पर फायर न करें। शिकार के लिए परिंदों की मखसूस तादाद बैग लिमिट का ख्याल रखें और इस हद से तजावुज न करें। परिंदों के गोश्त की जखीरा अंदोजी के लिए उनका शिकार न करें। परिंदों को अपनी कमीनगाह की तरफ माइल करने के लिए रिकॉर्ड शुदा आवाज़ें और मैकेनिकी बुलारे इस्तेमाल न करें। शिकारशुदा परिंदों को बाज़ार में फरोख्त करने की सख्ती से हौसला शिकनी करें और उन्हें तोहफ़तन भी पेश न करें। आबगाहों को आलूदगी से बचाने, उनमें पानी की सतह कायम रखने और उनकी पैदावारी सलाहियत बरकरार रखने में तआवुन करें। हुकूमत और आवाम की सतह पर पानी के पंछियों के तहफ्फुज़ और उनकी सस्टेनेबल हंटिंग के बारे में शऊर उजागर करने में भी अमली किरदार अदा करें। As a group, Pakistan's hunters are among the most informed people about wildlife in this country. The tragedy is that they use their expert knowledge to abuse the resource. The things that are learned and passed down from grandfather to father to son are not leading to the conservation of species, but to the eradication of species. And this is the problem that we're facing in Pakistan today. आबी परिंदों और आबगाहों के इंतज़ाम में मुकामी आबादियों की शिरकत और उन्हें इस कुदरती वसीले से माशी फवायद फराहम करने से इन परिंदों और इनके मसाकिन के तहफ्फुज़ो इंतज़ाम में खातिरखा बेहतरी लाई जा सकती है। शिकार के लिए मज़कूरा ज़ाबिता अख़लाक अपनाने और कवायद व ज़वाबित पर कारबंद रह के आप न सिर्फ हर साल हमारी आबगाहों में आने वाले आबी परिंदों की तादाद बरकरार रख सकते हैं, बल्कि सस्टेनेबल शिकार को भी यकीनी बना सकते हैं।